ये कहाँ है? तो आज हम लोग आए हैं गुलेल से शिकार के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने 3 लेयर वाली रबड़ की स्लिंग शॉट बनाई है। कितनी बेहतरीन लग रही है दोस्तों, ये अपनी क्रॉस वाली मेरी फेवरेट स्लिंग शॉट है। तो आइए अब इससे अपन शिकार करते हैं आज। तो दोस्तों, शिकार करने से पहले गुलेल की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, और हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं जो कि हमारे साथ शिकार पर चलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने। ओ, थोड़ा मिस हो गया। अब दूसरा निशाना लगाते हैं दोस्तों, उसके बाद ही से निकल रहा है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं ना, ये गिद्ध कहलाता है। तो इसको ये अपन आज लेते हैं लपेटे में। ओ माय गॉड, देखिए कितना बड़ा है उसमें। दोस्तों इनके लिए अगर लग भी जाने तो कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये लगभग 8 या 10 केजी के होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग और आगे जा रहे हैं शिकार के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे साथ हमारे दोस्त भी हैं। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द शिकार के साथ। और नहीं लग पावे ना दोस्तों, थोड़ा ही रह गया। तो अपन अब और आगे चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये स्लिंग शॉट ऐसी है, थोड़ी आपको खींचने में हार्ड तो होगी, थोड़ी हार्ड रहेगी खींचने में ये रबड़, क्योंकि इसमें 3 लेयर है। तो दोस्तों इससे, लेकिन शिकार बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई भी बड़े से बड़ा शिकार होगा इससे गिर जाएगा दोस्तों। तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहे, और अपन चलते हैं बहुत जल्द एक नई लोकेशन पर, एक नई जगह पर, जहाँ हम लोग स्लिंग शॉट से करेंगे शिकार। तो आइए मेरे साथ। तो दोस्तों अब हम जाएंगे एक घने जंगल की ओर, जहाँ पर नदी और खेत होंगे। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही घने जंगल में। तो यहाँ देखते हैं तीत और बटेरी या फिर जो भी कुछ मिलेगा, तो उसका अपन शिकार करेंगे। तो अब और घने जंगल में जा रहे हैं हम लोग। तो क्या खा रहे हो भाई? वाओ, नेस्ट। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये घोंसला है, ये भी कोई जंगली डोंकलिया का घोंसला है। तो यहाँ पर डोंकलिया बहुत हैं, आपने अभी देखा ना किस प्रकार से हम लोगों ने उसको, वो बटेरी थी उसको, लेकिन हम लोगों ने छेंक लिया था। तो आप ये जो चारा है ना, इसका कलर आप देख सकती है, तो इसी कलर की वो रहती है, तो इस वजह से हम लोग को परफेक्ट दिखी नहीं तो आज उसी का शिकार होता अपना। तो आइए और आगे चलकर अपन देखते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, हम लोग जंगल के रास्ते से एक नदी के पास आ गए हैं। तो अब हम लोग और आगे जाएंगे ऐसी जगह पर जहाँ खेत होंगे, क्योंकि खेतों में तीतर और बटेरी मिलने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो आइए चलते हैं खेतों की साइड।
रेडी दोस्तों, हम लोग थोड़ा छुप कर जाते हैं, उसके बाजू में है। ओके ओके दोस्तों, इस बाउंड्री के उस पार खेत है और इस बाउंड्री के ऊपर दो डोंकलियां बैठी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक पत्थर से दोनों डोंकलियों का शिकार हो जाए। तो देखिए, वो लग गया दोस्तों, तो अपना शिकार हो चुका है। और देखिए, मैं इस खेत में आ गया हूँ और एक खेत के मालिक हैं, तो इनके लिए हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने गुलेल से शिकार किया है, तो दो डोंकलियाँ घायल हो चुकी हैं जो आकर आपके खेत में गिर गई हैं, और हमें आधा किलोमीटर का चक्कर लगाकर इनकी खेत की ओर आना पड़ा, क्योंकि आपने देखा था ना कि जहाँ हमने शिकार किया था वहाँ पर एक बाउंड्री थी, तो वहाँ पर दोस्तों कांटेदार पेड़ रखे थे, तो हम लोग उस पर चढ़कर नहीं आ सकते, तो हम लोग घूम कर आए हैं। तो अब जाते हैं शिकार को देखने कि कहाँ पर आकर गिरे हैं वो। दोस्तों मेरे हिसाब से दोनों ही एक ही बार में घायल हो गई हैं। तो देखिए, ओ एक तो ये रही दोस्तों, ओ इसका तो काम ही हो गया, और दूसरी शायद आगे गिरी है दोस्तों, इसके सिर में लगा था और उसके शायद पंख में लगा था, अभी उठाने के लिए जा रहे हैं, शायद इनको दिख रही होगी। हाँ दोस्तों, दिख गई है, देखिए ये दूसरी भी इनने उठा ली। आइए जरा पास आइए, दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, ये रही दोनों डोंकलियाँ। तो दोस्तों देखा आपने कैसे मैंने एक पत्थर से दो डोंकलियों का शिकार किया, और अब हम दोस्तों नदी की ओर वापस आ गए हैं, क्योंकि आधा दिन निकलने वाला था, हम लोगों ने नहाया भी नहीं था और ना ही कुछ खाया था, तो अब हम लोग यहाँ पर नहाएंगे और यहाँ पर फिशिंग करेंगे और उसके बाद कुछ खाकर वापस निकल जाएंगे। तो कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो, ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।